खैर है, इतने चक्कर लगा रही है, क्यों खाना हजम नहीं हुआ तुझे? अम्मा मुझे तो तुम्हारी बात हजम नहीं हो रही। क्या वो कौन सी? अम्मा तुम अमजद भाई की बगैर इजाजत के भाभी को उनकी अम्मा अब्बा के घर कैसे छोड़ सकती हो? भाई को पता चल गया ना हंगामा खड़ा कर देंगे, और तुम्हारे पास इल्जाम है ही क्या जो भाभी पे लगाओगी? ओ बेवकूफ लड़की, अब वो दौर खत्म हो गया जब वो बहुओं पे पुराने घिसे पिटे इल्जाम लगाते थे। मैं तो कुछ नया करूंगी, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से गुजरती नहीं। क्या नया करने वाली हो मुझे भी बता दो ना। क्यों तू कहीं जा रही है? हाय नहीं अम्मा। तो फिर जल्दी किस बात की है, सुबह पता चल जाएगा। अम्मा तुम मुझसे भी बातें छुपाने लग गई हो। अम्मा मैं तो तुम्हारी राजदार हूँ ना। ओ बस कर, कहा है ना, चल सो जा, सुबह तायरा के घर जाना है। अम्मा वहां क्यों जाना है, वो तो भाई। ओ कहा है ना, सुबह पता चल जाएगा, चल सो जा। चल जो, सिर्फ बातें करवा लो बस। आंटी सच में यहां पर आ गई तो मुरब्बा कहाँ जाएंगी? ये सब झूठ अम्मा ने मेरी वजह से बोला। क्या करेंगे अब? ये कैसा इम्तिहान है खुद? मेरा घर बचाने के लिए मेरे अम्मा अब्बा खुद घर से बेघर हो रहे, ऐसा इम्तिहान है मेरे खुदा? खुशियों का सौदा अब में तब्दील होने वाला है। कभी कभी हम अपनी किस्मत के आगे खुद हार मान लेते हैं। कितनी बेबस और मजबूर हो तो कुछ नहीं कर सकते। मैं मेरी अम्मा मेरे अब्बा बेघर हो जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम अपने आप को संभालो आलिया, और बस अब हकीकत से नजरें ना छुराओ। अमजद मेरी हकीकत तो तुम हो। अब मैं किसी और की हकीकत हूं। बेहतर होगा तुम इस बात को बहुत जल्दी समझ जाओ। मैं सब समझ रही हूं लेकिन तुम नहीं समझ रहे। इस दिल को कैसे समझाऊं मैं? हालिया जिंदगी की हकीकत बहुत तल्ख होती है, और बेहतर होता है कि इंसान इसको जल्द से जल्द समझ जाए। अमजद मैं इस तलखी के साथ नहीं जी सकती। पागल मत बनो आलिया, आगे तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है। क्या करूं इस लाइफ का अमजद जिसमें तुम नहीं हो? मैं तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ। देखो आलिया, हम ना अक्सर अपने प्यारों के फैसलों पर मजबूर होते हैं। लेकिन मोहब्बत में कोई मजबूरी नहीं होती अमजद। आलिया अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करती हो और मुझे जिंदगी में खुश देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी कसम है कि आइंदा तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी और अपनी जिंदगी की तरफ लौट जाओगी। आलिया माजी को कुरेदने से ना कुछ हासिल नहीं होता, उल्टा खुद को जख्मी करोगी। अमजद आलिया मोहब्बत के भी कुछ आदाब होते हैं, अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मेरे दिल में तुम्हारी और इज्जत बढ़ जाएगी कि
तुमने मेरी मोहब्बत का मान रखा है। बस मेरी कुछ मजबूरियां थी जो मेरी राह की रुकावटें बन गईं। अब्बा के बाद मैं अम्मा को दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम भी मुझे माफ कर दो। वादा करो आलिया, वादा करो कि तुम मुझे माफ कर दोगी। Oh, my God.